तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूँ सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर, और आज आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि यार हमारा जो CUET का एग्जाम है वो कब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत ही अच्छी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को दी जा चुकी है कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं। और अभी तक आई होप आप लोगों ने अपना जो फॉर्म है CUET के लिए फिल कर लिया होगा, और आपको क्लैरिटी होगी कि यार मुझे कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है और कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोगों को अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो भाई क्लैरिटी लेके आओ, क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ही जल्दी अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे करना पड़ेगा कि आप अच्छी खासी रैंक को सिक्योर कर पाओ, और CUET के थ्रू आप लोगों का अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी या मन चाहे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये पर्सनली मानना है कि अभी देखो लास्ट जो डेट है जो अभी रखी गई थी CUET एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, मतलब एक बार डेट क्लोज हो गई थी, क्लोज होने के बाद वापस खुली, तो 31 मई 2022 ये लास्ट डेट रही है अभी रजिस्ट्रेशन की। वापस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराए थे, बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ही लगे हुए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, लेकिन अभी देखा गया है कि 31 मई को हमारी फिर से लास्ट डेट थी और कई सारे बच्चों ने एडमिशन करा लिया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट किया है कि सर CUET में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करनी है चीजें, क्या नहीं करनी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चे धीरे धीरे करके CUET को लेके थोड़े से सीरियस होने लग गए हैं। तो दिस इज द राइट टाइम की बताया जाए कि यार कितना टाइम तुम लोगों को मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलने वाला है, लास्ट डेट तो भाई ये थी। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जुलाई के, आप ये मान लो जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक, बच्चों जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आप लोगों का CUET एग्जाम होगा। इस बात को ध्यान रखो। आप प्रोबेबली जितनी भी वेबसाइट्स पे जाओगे, देखो मेन जो आप लोगों की वेबसाइट्स हैं उनमें एक वेबसाइट है NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है, दूसरी की है CUET सामर्थ, ठीक है, जो कि CUET के लिए है। तो आप इन दोनों वेबसाइट पे जाओगे, आपको कोई खास जानकारी अलग से कि भाई एग्जाम कब होने वाला है अभी फिलहाल में ये नहीं मिलने वाली है। NTA पे आपको बस यही वाली अपडेट मिलेगी, 31 मई को ये लास्ट डेट थी, और CUET सामर्थ वाली जो वेबसाइट है उस पर भी यही वाली डिटेल मिलने वाली है। तो अभी एग्जाम कब होने वाला है इसको लेके कोई ऑफिशियल डेट ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी अगर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं या फिर बात करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट की जहाँ पे ज्यादातर CUET से लेके अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है, तो वहां पे यही बात बार बार बोली जा रही है कि यार जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक के अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा। अब रही बात बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने की, तो हम लोगों को पता है कि 13 से 14 जून तक बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो आप ये मान लो कि 13 से 14 जून के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा एक महीने का टाइम मिलने वाला है, और इस एक महीने के टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इतना बेहतरीन बना लेना है कि आपकी अच्छी खासी रैंक अचीव आप कर पाओ और आपका एडमिशन हो पाए। देखो अब आप लोगों को पता है कि ज्यादातर कोर्सेज के अंदर आपका सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो लैंग्वेज का है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो डोमेन का है। हर एक कोर्स के अंदर जनरल टेस्ट जरूरी नहीं है, बहुत ही कम ऐसे कोर्सेज हैं जहां जनरल टेस्ट कंपलसरी होगा, अदरवाइज यही दो चीजें हैं। अब रही बात डोमेन सब्जेक्ट की, तो यार डोमेन की प्रिपरेशन तुम अपने खुद के बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू कर भी रहे हो, और जो तुम्हारे मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट्स होंगे तुम उन्हीं को चूज करने वाले हो, तो डोमेन कहीं ना कहीं आप देख लो तो प्रिपेयर रहने वाला है। लेकिन अगर लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने वाले हो तो वहां पे आप लोगों के लिए नई चीजें निकल के आने वाली है। तो मेक श्योर लैंग्वेज वाले सेक्शन को क्लियर करने के लिए आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, मैं जो वीडियोस देके आ रहा हूँ, आप उस पर फोकस जरूर करो, क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। और रही बात तो डेट्स की, तो डेट्स मैंने सामने भी कुछ लिखी हुई है। देखो सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया था अप्रैल 6 को, CUET एप्लीकेशन फॉर्म मई 22 को एंड हो गया था, लेकिन कई सारे बच्चों ने एप्लीकेशन जो था वो नहीं भरा था, इसी वजह से फिर से 27 मई को ये रीओपन हुआ और 31 मई को ये फिर से एंड हो गया। एडमिट कार्ड के रिलीज डेट की बात अभी तक नहीं हुई है, और मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड रिलीज होगा जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके कुछ टाइम बाद ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आपको अपने सेंटर के बारे में और सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और CUET एग्जाम जो है वो देखो लिखा हुआ है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 के अंदर होने वाला है, बाकी कोई भी डेट यहाँ पे गिवन नहीं है।
तो मेक श्योर जो भी बच्चा फाइनल एडमिशन लेना चाहता है, अच्छी रैंक अचीव करना चाहता है, तो उसके पास बोर्ड एग्जाम के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का टाइम होने वाला है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रिपरेशन करनी होगी वो है लैंग्वेज। तो मेक श्योर अगर कोई भी बच्चा वो लैंग्वेज की तैयारी कर रहा है और उसे लैंग्वेज के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर करना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, काफी अच्छी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और आप लोगों की रैंक जरूर अचीव होगी। लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। रिसेंटली मैं एक वीडियो लेके आया था जिसके अंदर मैंने फैक्चुअल पैसेज से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और आपके सामने एक पैसेज सॉल्व भी किया था और बाकी कुछ पैसेज सॉल्व करने के लिए दिए भी थे। तो इसीलिए मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एक बार वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाकी बच्चों मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी बडी।